तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास ऊपर आगे का टॉपिक है। और दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से बोला है कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर कैसे रिपेयरिंग करते हैं, मदरबोर्ड में रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। अच्छा, ये जितनी भी सारी वीडियो है ये टोटली फुल्ली प्रैक्टिकली वीडियो है। कौन सी वीडियो है? फुल्ली प्रैक्टिकली वीडियो। ये मेरा वीडियो लाने का मतलब क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करने वाले हैं, मदरबोर्ड को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो में आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहली की जो वीडियो थी जिसमें से मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड को चेक कैसे किया जाता है, इस मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक कैसे करते हैं, उनको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर जो वीडियो दिया था उसमें से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों ने वीडियो के माध्यम से सीखा। जो फ्रेशर बच्चे थे उन लोगों ने बहुत काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन उन लोगों ने ही आग्रह किया कि सर आप मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली वीडियो दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिकल तरीके से काम करने का तरीका सीखूं। आप देखेंगे मेरा क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरीके से कम सजी मैं 25 से 30 वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का बिल्कुल इतना ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो सर दुनिया जान में आपको कहीं नहीं सीखने का मिलेगा। सबसे पहली बार है, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये जम्पर के ऊपर ही है कि मोबाइल फोन के अंदर, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन में जैसा मैं करके दिखाता हूं उसी हिसाब से वो लोग भी मोबाइल फोन में रिपेयरिंग करते हैं और उनके मोबाइल फोन भी बन रहे हैं, मोबाइल फोन ठीक भी हो रहे हैं। दूसरी बात क्या, उनका हैंड स्किल मजबूत हो रहा है। हमने आपको क्या बताया, जो काम हम एक बार करते हैं उसी काम को आप कम से कम 50 बार दोस्त करिए, अगर आप 50 बार करेंगे तो बेहतर तरीके से एक अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग प्रैक्टिकल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये जम्पर के ऊपर ही है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई डिस्प्ले है, कोई प्रिंट है, कोई कीपैड है, उसमें जम्पर कैसे लगाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई ट्रैक खराब हो जाता है, कोई लाइन खराब हो जाती है, उसको कैसे जम्पर लगाया जाता है। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स में जम्पर कैसे लगाते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर जब प्लेट के अंदर की सप्लाई टूट जाती है तो एक सप्लाई दूसरे कंपोनेंट से होकर के जा रही होती है, तो अगर वो सप्लाई टूट जाती है तो उसको कैसे जोड़ा जाता है, उसको कैसे जम्पर लगाया जाता है, जम्पर लगाने का सही तरीका क्या होता है। दूसरी बात क्या, मोबाइल फोन के अंदर और भी बहुत सारे जैक आते हैं, जैसे जैक में तुम्हारा यूआई जैक आता है, डिस्प्ले जैक आता है, टच जैक आता है, अगर इनकी भी सप्लाई खराब हो जाती है तो मोबाइल फोन के अंदर कैसे जम्पर लगाया जाएगा, आज मैं आपको उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर सकें और एक बेहतर तरीका सीख सकें और मोबाइल फोन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। यहां पर हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोगों का जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है मात्र 90 दिन का पूरा कोर्स है, लेकिन जो बच्चे यहाँ रह के सीखते हैं, फुल डे सीखते हैं, तो वो मात्र 45 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट सीख जाते हैं, कंप्लीट ट्रेंड हो जाते हैं। अब चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये हमारी वीडियो आप लोग देखें, पूरा अच्छे से देखें, और नहीं समझ में आता एक बार दो बार करके देखें। और ये हमारी वीडियो को आप डेमो वीडियो भी समझ सकते हैं, किस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे सिखाते हैं, बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिकली इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमको मोबाइल फोन के अंदर जम्पर लगाने के लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरीके से जम्पर वायर होना चाहिए। और अब जैसे मैं बोर्ड में बात करता हूं, सबसे पहली बात हम अपना कैमरा ऑन करते हैं। ये मेरे पास बोर्ड है, ये वही बोर्ड है जो मेरे हाथ में बोर्ड है। अब जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आया, इस मोबाइल फोन बोर्ड के अंदर हमारे अंदर की सप्लाई क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन के अंदर की सप्लाई टूट गई, जैसे मैं कंपोनेंट्स में जम्पर के बारे में बात कर रहा था कि हम लोग कंपोनेंट्स में जम्पर किस तरीके से लगाते हैं उसके बारे में हम लोग तरीका समझ रहे थे। अब देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे जो लगे होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट में जम्पर लगाने का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन के अंदर जैसे कोई भी सप्लाई खराब हो जाती है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल सी बात है, कैपेसिटर लगाए, इस कैपेसिटर को काम करने के लिए या सप्लाई यहाँ पर नहीं पहुंच रही है, चाहे चार्जिंग हो जाए, चाहे स्पीकर हो, चाहे माइक हो, चाहे नेटवर्क हो, कोई भी अगर सप्लाई नहीं पहुंच रही होती है,
तो हम उस सप्लाई को जहां से आ रही होती है वहां से सप्लाई को जोड़ देते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, ये जो कंपोनेंट का सिरा होता है, ये देखिए कंपोनेंट में दोनों में साइड में से सिल्वर होते हैं, दिख रहे हैं। अगर हमको जो जम्पर लगाना होता है वो सिल्वर वाले पॉइंट पर ही लगाना होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा सप्लाई चलती है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं मैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको देखा हुआ है वो जो जम्पर लगाते हैं ऊपर की तरफ लगा देते हैं, तो दोस्त ऊपर की तरफ जम्पर ना लगाइए, क्योंकि ऊपर जाली भी लगाई जाती है, कई बार वो बोर्ड में अर्थिंग भी ले लेता है। तो हम लोग जो जम्पर को लगाते हैं बिल्कुल साइड में लगाते हैं, साइड का मतलब होता है जो बिल्कुल जड़, ये दिख रहा ना, बिल्कुल जड़ में लगाते हैं, तो हमारा तब सप्लाई हमारी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होती है और ये हमारा सही तरीका होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो जम्पर वायर होती है, इस जम्पर वायर के ऊपर अगर आप देखेंगे बोर्ड के अंदर, इस जम्पर वायर के अगर आप देखेंगे तो जो रेड कलर का जो जम्पर वायर होता है इसके ऊपर एक पॉलिश होती है। ये पॉलिश क्या काम करती है, वो कहीं दूसरी जगह अगर टच हो जाएगी तो आपस में क्या होगा, शॉर्ट नहीं होने देगा। तो इसलिए जम्पर वायर ऐसा होता है जितना आप छीलेंगे उतना ही जम्पर को जोड़ सकते हैं। ये कंपोनेंट जम्पर लगाने से आप किसी भी सप्लाई को जोड़ सकते हैं, ISP जम्पर लगा सकते हैं, या मोबाइल फोन के अंदर कोई भी सप्लाई लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसको भी जोड़ा जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि जम्पर वायर को लगाते कैसे। जम्पर वायर लगाने के लिए सबसे पहले जो जम्पर वायर का जो हिस्सा होता है, जितना आपको जहां से सप्लाई जहां तक जोड़ना होता है उतने जम्पर वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जम्पर वायर को खींचिए मत, आप इसके लिए क्या करिए, इस तरीके से सर्जिकल ब्लेड का आप इस्तेमाल करिए, ये आप लोगों को कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसके बाद जितनी बड़ी सप्लाई का जम्पर लगाना होता है उतना बड़ा जम्पर वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं ऐसे। अब उसके बाद आपको जम्पर वायर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, सोल्डिंग आयरन, आपके पास सोल्डिंग आयरन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से समझना है तो जाहिर सी बात है आपके पास पेन अच्छा होना चाहिए। अगर दोस्त आपके पास पेन अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छी तरीके से कभी भी काम नहीं कर सकते और बेहतर तरीके से काम नहीं करते। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके से सोल्डिंग स्टेशन होते हैं, ये सोल्डिंग स्टेशन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो बेहतर क्वालिटी की होती है जिससे हम लोग काम कर सकते। उसके बाद आयरन का जो आगे का एरिया होता है बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसमें से गंदगी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और कार्बन ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, पेस्ट लेना है, पेस्ट में से जम्पर वायर को क्या करना है, साफ करना है। देखिए कैसे साफ करेंगे, आपके आयरन का आगे का पॉइंट हो सिल्वर होना चाहिए और आप क्या करेंगे, जम्पर वायर को जब आप साफ करेंगे तो जम्पर वायर को उतना ही एरिया साफ करेंगे जितना आपको बोर्ड में क्या करना है, जोड़ना है ऐसे, ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया को साफ नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जम्पर का दूसरा हिस्सा भी साफ कर देंगे क्योंकि हम एक सप्लाई को दूसरी सप्लाई से पास करने वाले हैं। हमने दोस्तों आपको क्या बोला कि हम जो उस काम को एक बार करेंगे उस काम को कम से कम आप 50 टाइम करेंगे, कितनी बार करेंगे, 50 बार करेंगे। इससे क्या होगा, आपका हैंड स्किल मजबूत होगा, आपका तौर तरीका पता चलेगा और आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। अब जैसे मान लिया मुझको जम्पर लगाना है, जैसे मान लिया मुझे यहां से जम्पर लेकर के इस कैपेसिटर पर जोड़ना है, तो इस जम्पर को इस कैपेसिटर पर जोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जम्पर पर हल्का सा पेस्ट लगा लेना है। अब जैसे आप इस कैपेसिटर पर लगाने वाले हो तो आप क्या करेंगे, जम्पर को कैपेसिटर को ऐसे साइड में रखेंगे, आप जम्पर को जो लगाएंगे बिल्कुल जड़ पे लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, जड़ पे। जम्पर को कभी भी आप ऊपर मत लगाइए, हमेशा उसको जड़ पे लगाइए, आयरन को रखिए, जम्पर लग जाएगा। यहां पर आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल करना है। अब अगर देखेंगे तो ये हमारा जम्पर लग गया है, अभी हट गया है। हम क्या करेंगे, अगर नहीं लग रहा होता तो हम हल्का सा PPD ले लेते हैं क्योंकि इसमें सोल्डर नहीं होता है। सोल्डर अगर नहीं होगा तो ये सही से जुड़ नहीं पाएगा,
क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जब कोई भी चीज जब पकड़ती है तो रांगे से रांगा पकड़ता है, किसे पकड़ता है, रांगा से रांगा पकड़ता है। तो जाहिर सी बात इसमें रांगा लगा होना बहुत जरूरी है। सर थोड़ा सा रांगा दीजिए, जरा शोल्डर दीजिए। देखिए ये हमारा लग गया, और देखेंगे जंपर वायर को हमको बिल्कुल जड़ में लगाना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऊपर नहीं लगाना, हमेशा नीचे लगाना, साइड में लगाना है। अब इस सप्लाई को जैसे मैंने दूसरी जगह से जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे। जहां पर जोड़ना है तो वहां पर दूसरी जगह पर हम लोग जोड़ देंगे, और हमेशा कहां पर जोड़ेंगे, बिल्कुल नीचे जड़ में जोड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नीचे लगा हुआ है, ये भी हमारा जो लगा हुआ है, ये भी हमारा कहां लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है। ये देखें, अब हमारा जंपर ऐसा प्रॉपर लगना चाहिए, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये सप्लाई यहां पर पास हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ऐसे जो जंपर लगाते हैं, ऐसे जंपर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स जंपर बोलते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब हमारे मोबाइल फोन में एक सप्लाई को दूसरी सप्लाई से पास किया जाता है। अब एग्जांपल सी बात आती है, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर, मैं आपको बताता हूं, अगर मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में से ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई खराब हो गई। जैसे अगर आप देखेंगे ये आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, अगर इस ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई मान लिया कि हमारे इस रेजिस्टेंस तक आ रही, कहां तक आ रही है, इस रेजिस्टेंस तक आ रही हो, कई बार ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से उठा करके, इस पॉइंट से उठा करके इस रजिस्टर तक हम लोग क्या करेंगे, जंपर मार देंगे। क्या करेंगे, अगर आप बोर्नियो सर्किट सेमेटिक में, इंटरनेट में, गूगल में जब आप देखते हैं तो उसमें से वो आपको प्रदर्शित कर रखता है, क्या प्रदर्शित कर रखता है कि ये हमारा जो ऑन ऑफ स्विच का ये पॉइंट है ये खराब हो गया, तो यहां से आप जंपर उठाइए, इस तरीके से रजिस्टेंस तक जोड़ दीजिए और आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहां से उठा करके जैसे आप जंपर मारेंगे तो आपका मोबाइल फोन अगर ऑन ऑफ स्विच का प्रिंट खराब हो गया, ट्रैक खराब हो गया है, तो आपके जंपर से आपका सर्किट जुड़ जाएगा और आपका मोबाइल फोन काम कर जाएगा। तो इन ऐसे जंपर को हम लोग कंपोनेंट ट्रैक जंपर इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, और ये अभी मैं आपको आपके सामने आपको लगा के दिखाता हूं। ऐसे जंपर को लगाने के लिए फिर से हमको क्या करना है, जंपर वायर लेना है, जंपर वायर को लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जंपर वायर को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैंने बोर्ड हटा लिया, हमने आयरन रखा, हमने जंपर वायर को क्या किया, साफ किया। हमने क्या किया, इधर को भी साफ कर लिया, इसका दूसरा एरिया है उसको भी हमने क्या कर लिया, साफ कर लिया। साफ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जिस तरीके से ऐसा जंपर लगा है, मैं आपके सामने बोर्ड रखता हूं, बोर्ड में से आपको लगा के दिखाता हूं। ये देखिए ये मेरे पास बोर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जंपर को इस मदर बोर्ड में से लगाने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड में से जोड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है, मैंने ऑन ऑफ स्विच के सप्लाई के पॉइंट पे मैंने जंपर वायर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट पे लग गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे लगाने वाले हैं।
तो ये हमारा यहां से जुड़ गए। अगर आप देखेंगे तो मैं यहां से लेकर के जैसे यहां पर जंपर मार दूंगा तो जंपर मारने से ही हमारी पिन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और ये हमारी सप्लाई क्या हो गई है, पास हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऑनर स्विच की सप्लाई खराब हो जाएगी तो यहां से लेकर हम लोग कंपोनेंट में जंपर मार दिया। जब हम जंपर मार देंगे तो जंपर मारने के और थोड़ा सा ऐसा खींच के देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपस में से वो तुरंत हट जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर थोड़ा सा मजबूत लगना चाहिए। जंपर को प्रॉपर से अच्छे तरीके से टेपिंग करके पैक कर दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे हम किसी भी ऑनर स्विच की सप्लाई को किसी कंपोनेंट तक जंपर लगा देते हैं। अब मान लिया हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर कभी कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो उसको हमको क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारा कंपोनेंट लगा है और इस कंपोनेंट को हमको क्या करना, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जंपर वायर लेते हैं, जंपर वायर को बिल्कुल छोटा सा काटते हैं। क्या करते हैं, छोटा सा काटते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जंपर लेते हैं। इस छोटे से जंपर को ऐसे पकड़ करके इसका क्या कर लेते हैं, यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दिख रहा है, इसी तरीके से आप इसको मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद फिर इस जंपर वायर के जो दोनों सिल्वर के पॉइंट्स होते हैं, उन सिल्वर के पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, हम लोग साफ कर लेते हैं। यहां पर आपकी चिमटी अच्छी होनी चाहिए, अगर चिमटी अच्छी नहीं होगी तो जंपर वायर को लेंगे और पकड़ेंगे तो बार बार आपके हाथ से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। ये हमारे साइड के दोनों पॉइंट से इसको हमने साफ कर लिया। साफ करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे ये आपके मदरबोर्ड के अंदर कॉइल लगी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से सप्लाई को जोड़ेंगे, तो ये हमने जोड़ दिया। अब इसका जो दूसरा सिरा होता है वो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ जोड़ देंगे। जैसे आप दूसरी तरफ जोड़ देंगे तो ये हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अगर आप देख रहे होंगे इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई आर पार हो जाएगी। ऐसे आपके नेटवर्क हो गया, एंटीना हो गया, बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं जिसकी सप्लाई हमारे आगे पास हो जाती है। जैसे आपके मोबाइल फोन में कंपोनेंट सीरीज पोजीशन में लगे होते हैं, कॉइल हो गया, रजिस्टर हो गया, फ्यूज हो गया, इन सब चीजों को हटा देने पर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं जिससे हमारी सप्लाई सीधे डायरेक्ट पास हो जाती है। आप चाहे तो इसको हटा के भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको हटाने में प्लास्टिक का कोई जैक लगा हुआ तो दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको घुमा करके साइड में से जंपर मार देंगे। तो इस तरीके से अब मान लिया मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जैसे एग्जांपल सी बात है, मान लिया हमारे पास कोई मोबाइल फोन के अंदर यूआई कनेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यूआई कनेक्टर। जैसे ये देखिए इस तरीके से हमारे फोन के अंदर ऐसे कनेक्टर्स आते हैं जिसको हम लोग यूआई कनेक्टर कह सकते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर कह सकते हैं, कैमरा कनेक्टर कह सकते हैं। अब मान लिया कैमरा कनेक्टर है, कैमरा कनेक्टर की हमारी सप्लाई खराब होगी तो हमको इस कैपेसिटर से उठा के इस कैमरे के पिन नंबर 2 पे सप्लाई देना है। मैंने एग्जांपल बताया, तो आप क्या करेंगे, जंपर लेंगे और वहां से उठा करके इसके एक सप्लाई को जोड़ देंगे। सप्लाई जोड़ने से आपकी पिन की कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। कुल मिलाकर के पिन नंबर 2 से उठा करके यहाँ पर जंपर आपको मारना है। अब यहाँ पर जंपर मारने के लिए सबसे पहली बात, सेम पोजीशन सेम काम, आपको जंपर वायर लेना है। जंपर वायर को क्या कर लेना है, पहले साफ कर लेना है। जंपर वायर के दोनों टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। देखिए मैं कैमरे के सामने रख करके आपको साफ करता हूं। पहले ये देखिए, साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है और दूसरी तरफ के हिस्से को साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए आप, हमने बोर्ड लिया,
इसके हमको कहां पर जोड़ना है दोस्तों, पिन नंबर 2 से जोड़ना है। कहां से जोड़ना है? पिन नंबर 2 से। हल्का सा पेस्ट ले लेते हैं। अब हमको सप्लाई कहां से जोड़ना है? पिन नंबर 2 से जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पिन नंबर 2 पे ऐसे रखेंगे, पिन नंबर 2 से कनेक्ट हो गया। जब आप पिन नंबर 2 से कनेक्ट हो जाएगा तो ये कहीं दूसरी जगह से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। यही तुम्हारे हाथ की सफाई है। अब ये नहीं कि तुमने ध्यान नहीं हाथ हिला दिया और दूसरे बगल में भी शॉर्ट कर दिया। तो आपने कहां पर जोड़ना है? पिन नंबर 2 जोड़ना है। अब मान लिया आप इसकी सप्लाई को क्या करना है, आपको कैपेसिटर पे ले जाना है। क्या करना है दोस्तों? कैपेसिटर पे ले जाना है। तो ये हमने कहां तक दिया? कैपेसिटर पे जोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो इसकी सप्लाई हमारी कैपेसिटर पे क्या हो गई, चली गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे मजबूत लगा कि नहीं लगा, इधर भी मजबूत लगा कि नहीं लगा। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके पिन जुड़ गई है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास पिन जुड़ गई है। उसके बाद आप अगर इस कंपोनेंट पर देखेंगे तो कंपोनेंट के बिल्कुल जड़ पर जुड़ गया है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में हम लोग सप्लाई को पास करते हैं। इसी सप्लाई को अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं आपको और एक दूसरे मदरबोर्ड है, मैं उस मदरबोर्ड में भी आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल सी बात है, मेरे पास ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में अगर आप देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फोन में ऐसा यूआई पत्ता खराब हो जाता है। तो जब यूआई पत्ता खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूआई पत्ते का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, इस चार्जिंग कनेक्टर से क्या कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए ये चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग के पिन शॉर्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग का जो प्लस का पॉइंट होता है, उस चार्जिंग के प्लस पॉइंट से क्या कर लेते हैं, हम लोग सप्लाई ले लेते हैं। अब चार्जिंग के प्लस पॉइंट से सप्लाई उठा करके हम लोग मदरबोर्ड का जो ऊपर साइड का जो पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वी बस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी बस पॉइंट होते हैं। आप गौर से देखेंगे, ये देखिए ये दिए हुआ। तो नीचे वाले बोर्ड से लेकर के ऊपर वाले बोर्ड तक हम लोग वी बस पॉइंट तक जम्पर मार देंगे तो हमारे मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना चालू हो जाता है। अगर आपके मोबाइल फोन में यूएसबी में डाटा प्लस डाटा माइनस से लाइन खराब हो जाता है तो आप डीपीडीएम से भी जोड़ सकते हैं। अब यहां से जम्पर वहां तक कैसे जोड़ना है, इसके लिए फिर वही तरीका, जम्पर वायर को क्या करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद उसको क्लीन करके यहाँ पर सोल्ड करना है, वहां से उठा करके नीचे पिन तक जोड़ देना, प्रॉपर पैकिंग कर देना, आपका मोबाइल फोन में काम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर कई बार आपने देखा होगा, जो हमारा सिग्नल लाने के लिए, नेटवर्क लाने के लिए हमारा एक एंटीना यूज होता है। एंटीना खराब हो जाता है तो उस एंटीने पर हम लोग जम्पर मार देते हैं, और जम्पर मारने से हमारे नेटवर्क स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे नेटवर्क पूरे आने चालू हो जाते हैं, सिग्नल फुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, गोल्डन कलर का ऐसा एंटीना आता है, ये देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठाकर यहां पर जंपर मार देते हैं, जिससे हमारे सिग्नल क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं एक इसमें से जंपर मार के दिखाता हूं, और आप भी अगर आपके पास कभी भी ऐसे फोन आएंगे जिसमें नेटवर्क संबंधित समस्या आएगी तो आप इस तरीके से जंपर मार करके आप अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे, जंपर वायर का जो साइड का हिस्सा होता है इसे पहले क्या करेंगे, सिल्वर से व्हाइट व्हाइट कर लेंगे। मैं आपको इसको कई बार व्हाइट व्हाइट करके दिखा चुका हूं, इसलिए बार बार हमको मुझे लगता दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को समझ जाएंगे, हमारी बात को समझेंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक साइड हमने जिस तरीके से साफ कर लिया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका दूसरा हिस्सा भी हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। आप लोग हम इस पर जंपर मारने के लिए हम लोग बिल्कुल साइड के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें जंपर मारेंगे। कैसे मारेंगे आप देखिए जरा, जंपर वायर को लेंगे, जंपर वायर को बिल्कुल इसके सिल्वर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, सिल्वर वाले पॉइंट पे ही टच करेंगे।
ये देखिए हमने साइड के पॉइंटों में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जम्पर को मोड़ करके दूसरी तरफ लगा देंगे। इससे हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम जो होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कई बार सिग्नल वीक आने लगते हैं, घर के अंदर टावर नहीं आते, बाहर टावर आते हैं, ऐसी समस्या आने लगती है। तो हम लोग ऐसे जम्पर मार करके अपना सोल्यूशन को कर लेते हैं और अपने मोबाइल फोन को ठीक कर लेते हैं। अगर यहां पर जम्पर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट ले लेंगे, और जहां पर जम्पर लगने में तकलीफ होती है वहां पर हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे। क्योंकि पेस्ट लगाने से क्या रहता है कि हमारे रांगे की पकड़ थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और रांगा जल्दी पकड़ता है। ये देखिए अभी भी हमारा जो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे हम इस तरीके से लगा देंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, घुमा करके इसका एंगल चेंज करके दूसरे एंगल से लगाते हैं जरा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीना के पॉइंट्स को देखेंगे। प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ऐसे जोड़ने से क्या है, आपने इसकी सप्लाई को शॉर्ट कर दिया और आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और प्रॉपर नेटवर्क आने लगेंगे। इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में बहुत ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हम लोग जम्पर लगाते हैं। चाहे हमने आज आपको जो बताया है वो मैंने आपको, जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे आप कैमरे का डिस्प्ले का कोई सर्किट का जम्पर लगाना हो, या आपके मोबाइल फोन में से कोई ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई है, ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई खराब हो जाती है उसका जम्पर लगाना हो, कि ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट से लेकर के हमने रेजिस्टेंस तक जम्पर लगा दिया है, या आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो उस कंपोनेंट को आपस में शॉर्ट करके सप्लाई को आगे पास करना हो, या आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है या कंपोनेंट सप्लाई आ नहीं रही होती तो हमको किसी दूसरे कंपोनेंट से सप्लाई को बाईपास करना हो, तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन में जम्पर लगा लेते हैं। अच्छा, ये एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया, ये मैंने ट्रेनिंग पर्पस पे बताया कि आपको इस तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और मैंने जैसे डिस्प्ले का बताया तो आपको डिस्प्ले से संबंधित 50-50 जम्पर लगाना है, कैपेसिटर पे 50-50 जम्पर लगाना है, स्विच कोई भी बोर्ड मिल जाता है तो उसमें आपको जम्पर लगाने की प्रैक्टिस करनी है। जब इस तरीके से जम्पर लगाएंगे तो काफी हद तक मोबाइल फोन को आप रिपेयर कर पाएंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये जितनी भी सारी वीडियो हैं, ये सारी हमारी वीडियो ट्रेनिंग के पर्पस पे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा कुछ काम करने का मौका मिलता है और आपको रिपेयरिंग का एक अच्छा तरीका पता चलता है। एक अच्छा ये तरीका पता चलता है कि आप मदरबोर्ड में काम कैसे कर पाएंगे, मतलब आप ये देखेंगे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड है इसमें काम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आईसीयू में जम्पर कैसे लगाते हैं, मोबाइल फोन के अंदर आईसी के जो बॉल्स उखड़ जाते हैं उनको, पैड को जो जलेबी जलेबी की तरह गोल गोल करके बनाया जाता है उनको कैसे लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। हमारे मोबाइल फोन को कोई प्रिंट उखड़ जाता है तो उसको यूवी ग्लू से जम्पर कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से फिर हमारा जम्पर का टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। अगर आपको इतने तरीके के जम्पर आते हैं तो मदरबोर्ड में आपको काफी हद तक काम करना आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, अच्छे से देखें और वीडियो के माध्यम से आप सीखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो पे एक सर पॉजिटिव कमेंट जरूर करें कि हाँ सर, आपने जो भी बताया मुझे समझ में आ रहा है। और अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत आ रही तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो दोस्त, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है। सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है।
यहाँ पर दुनिया जान के मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं, तो हमारे बच्चों को सीखने को मौका मिलता है। अगर देखेंगे एक दिन के अंदर कम से कम 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मोबाइल फोन आते हैं, जिसमें हमारे बच्चे लोग मोबाइल फोन ठीक करते हैं। बाहर से दुकानदार लोग हैं या बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर जिनका मोबाइल फोन खराब होता तो फ्री में मोबाइल फोन बनाते हैं। इसी बहाने हमारे बच्चों को सीखने को मौका मिलता है और हम आपको अच्छी तरीके से काम भी सिखा पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्त अगर हम आपको वीडियो के माध्यम से इतना मेहनत करके अगर हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप भी दोस्त हमारी वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों को इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि एक्चुअल में मोबाइल फोन रिपेयरिंग होता कैसे है, और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के जो फ्री की नॉलेज है, इस फ्री की नॉलेज को सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें और फ्री के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सर।